कि बेटा धर्मपत्नी 50 कहाँ से आएंगे, भिखारियों की जरूरत पड़ेगी तो वो भिखारी हम बनना चाहते हैं। वो इस हिंदू राष्ट्र में क्या दलित को स्थान मिलेगा जिनको आतंकवादी जिहादी कहा गया था, क्या उनको स्थान मिलेगा? हिंदू राष्ट्र बनाने आए हो कि मजाक बनाने आए हो? तो दो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उन्हें हम आतंकवादी कहेंगे, मुसलमान नहीं कहने वाले? हमारे पास कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ सब है। वो भाजपा का पट्टा उड़ रहा था, बेशर्मों को देखो, राष्ट्रवादियों को पट्टा उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती क्या कि मुंह में दही जमा लिए हैं? 2.5 साल के बच्चों को काटा गया आगरा में बलि के नाम पे, शारदा माता को खुश करने के। अभी भी जान की धमकियां बराबर दे रही है कि सुधर जाओ नहीं तो बुलडोजर चला देंगे। कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरा बेटा है, मैंने उसको पैदा किया है। ये मुसलमान के नाम पे मुसलमान को बदनाम करता है, और अभी ISI का एक एजेंट मिला है, वो भी नारा गलत था, गुस्ताखे रसूल की 1000 सर संत जुदा। और नारा ये भी गला है, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जब तुम्हारे परिवार के लोग मर रहे थे तब ये बसें कहाँ गई थी? तो आप मुसलमान के नाम पे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को दबा नहीं सकते। और ये भारत है, हमारे पुरखों ने भारत के लिए आजादी दी है, किसी राष्ट्र के लिए आजादी नहीं दी थी। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ। भाजपा का प्रदर्शन है ना, किसका है? भाजपा का। देखिए एक चीज मैं बता दूं, 50 रुपए गैस के बढ़ गए, उनके परिवार से, उनके अपने पत्नियों से, उनके जो बेटे हैं उनसे वह पूछे जाकर कि बेटा धर्मपत्नी 50 कहाँ से आएंगे। और अभी एक भक्त ने कहा कितना बड़ा मंदिर बनवाया है मोदी जी ने, भिखारियों की जरूरत पड़ेगी तो वो भिखारी हम बनना चाहते हैं। क्या भगवान राम ने कहा था कि मेरा मंदिर बनवा के वहाँ भिखारी इकट्ठा करवाओ? आज जो हिंदू राष्ट्र की मांग है, वो इस हिंदू राष्ट्र में क्या दलित को स्थान मिलेगा, मुसलमान को स्थान मिलेगा, सिख को स्थान मिलेगा? और जो अग्निवीर लड़के थे जिनको आतंकवादी जिहादी कहा गया था, क्या उनको स्थान मिलेगा? हिंदू राष्ट्र बनाने आए हो कि मजाक बनाने आए हो? संभल में 16 साल की बेटी को घर में घुस के मार दिया जाता है, और एक संत की सरकार चलती रहती है, और ये राष्ट्रवादी बनते हैं। ये घटनाएं तो पहले भी होती थी, कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुई क्या? कांग्रेस के टाइम पे घटनाएं होती थी तो आप अभी राजस्थान का लेटेस्ट एक्शन देखिए कि अगर दो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उन्हें हम आतंकवादी कहेंगे, मुसलमान नहीं कहने वाले। ये भाजपा वाले कहें मुसलमान, क्योंकि मैंने 2 दिन कुरान स्टडी किया, हमारे पास कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ सब है, और हमने जब उसमें पढ़ा तो कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं है कि आप किसी गर्दन काट दो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके बाद वो भाजपा का पट्टा उड़ रहा था, बेशर्मों को देखो, राष्ट्रवादियों को पट्टा उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती क्या कि मुंह में दही जमा लिए हैं? बड़ा चिल्लाया करते थे, अरे डॉलर ऐसे नहीं गिरता है, ये प्रधानमंत्री झूठा है, प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का मान नहीं निकल पा रहा है। आज क्या प्रधानमंत्री को शर्म आ रही है? मैं आपको आज जो प्रखंड ये बकरा ईद के नाम पे मुसलमान को टारगेट करवा रहे हैं कल के लिए, जो दंगा कराने की साजिश है, अगर हिंदू समाज में भी आप रोकना चाहते हैं, आप संविधान में एक से संविधान से ले आइए स्टेट एक्ट ऑफ एविडेंस, आप लिखिए कि हमारे भारत में बलि नहीं होगी, यहाँ पे हिंदू आस्था है, लेकिन बलि किसी में भी नहीं होगी, ना हिंदू की होगी, ना मुसलमान की होगी, ना सिख की होगी, ना ईसाई की होगी। 2.5 साल के बच्चों को काटा गया आगरा में बलि के नाम पे, शारदा माता को खुश करने के लिए। तो उसको तो कोई नहीं बोला ना, आप ना मीडिया? मैंने बोला है, योगी जी नहीं बोलते, आप हमें मत कहिए कि हम बोलते नहीं है, हम बोलते ना रहे होते तो 5 बार हमले ना हो गए होते हमारे ऊपर। अब अभी भी जान की धमकियां बराबर दे रही है कि सुधर जाओ नहीं तो बुलडोजर चला देंगे। मेरे मकान में 2 लड़के पहुंचे बाइक लेकर, और कहते क्या है कि तुम्हारा लड़का है जो बोल रहा है? कह मेरी माँ ने कहा हाँ मेरा लड़का है, कह रहा वो हिंदू नहीं है। तो मेरी माँ ने उसको एक जवाब दिया कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरा बेटा है, मैंने उसको पैदा किया है। अब मेरा बेटा कुछ गलत नहीं बोलता, मेरे माँ तक को धमकी दी गई है मेरे को, मेरे घर पहुँचाने की। आपको, आपके हिंदू होने पर शक है लोगों को? मेरे तो हम कह रहे हैं ना कि चेकिंग करवा लो, वसीम रिजवी वाला हिंदू नहीं निकलेंगे, मांस खाते हुए ब्राह्मण दिखाते हैं हम आपको, बलि के नाम पे मांस खा रहे हैं, और बेशर्म लोग आज की ये दंगा करवा रहे हैं। बकरीद में
सब जानते हैं कुर्बानी होती क्यों होती, उसका रीजन सुन ली इस बाली योगी से। अल्लाह ने अपने बंदे से सपने में आए, उन्होंने उससे सबसे प्यारी चीज मांगी। क्या मांगी? सबसे प्यारी चीज, उसका बेटा सबसे प्यारा था। उसने अल्लाह के बारगाह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए रख दिया, आंख पे पट्टी बांध लिया, कोई भी अपने बेटे को काटते हुए नहीं देख सकता। कितना बड़ा डॉक्टर हो, अपनी फैमिली के साथ देखते हुए उसके हाथ कांप जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, तुम्बा आ गया बीच में, भीड़ आ गई तो बकरे की बलि होने लगी। हमारे हिंदू धर्म में भी यह चीज़ कहा गया था, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम हवन करते हैं, आहुति डालते हैं, तो उसमें अपनी सबसे प्रिय, अपना क्रोध, अपना अहंकार, अपना धन का, ये सब दान करते हैं। द्रव्य दान होता है, ज्ञान का दान होता है, इस तरह के दान का प्रयोग लिखा गया। और आप जकात को रोकते हो, कहते हो हज नहीं करने देंगे, अब वहीं पर जाके मुसलमान से गिड़गिड़ाते हो। आज ये कन्हैया कुमार की मृत्यु के बाद क्या इसके लिए भाजपा कार्यालय घेरा गया, जो पट्टा पहना हुआ मुसलमान है? ये मुसलमान के नाम पे मुसलमान को बदनाम करता है। और अभी ISI का एक एजेंट मिला है, भाजपा का IT सेल में शामिल था। बताइए, एक नबी राम अब पैक में नजर आएंगे, दारू में नजर आएंगे? किसी मुसलमान ने तो नहीं कहा कि हमें भैरव बाबा दिखते हैं दारू में? भैरव बाबा को दारू चढ़ती है, ये तो कोई बड़ा वादा नहीं है। आज जब मांस खाते हो, जब मांस का सेवन कर रहे हैं, अभी नवरात्र आ जाए, आपको गोश्त का रेट मालूम चल जाएगा कौन ज़्यादा खा रहा है। आपने नवरात्र की बात कही, काली माता के ऊपर जो मूवी बनाई गई है, उसका उसमें बड़ा विवाद चल रहा है। मैं उसका उस मूवी का खंडन करता हूँ, उससे हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं। भाई, आप किसी की धार्मिक आस्था को इस तरह प्रचारित नहीं कर सकते, लेकिन जो सच है उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। काली माता पे बलि चढ़ती है, सिगरेट पीते हुए दिखाया गया काली माता? नहीं, इतना ये तो भाई दुर्भाग्य है, जिसने पोस्टर जारी हुआ जेल किया जाए। लेकिन उसमें भी कहते हैं कि जो फिल्म मेकर है उसकी सर कलम कर दिया जाए, क्या कह रहा है? तो सलम सर कलम इसका कब करवाएंगे? वो 16 साल की बेटी रो रही है, इसका भी कलम करवाओ ना। और सर कलम करने की बात जब आई थी तो नूपुर शर्मा को लेके बवाल हुआ था, वो भी नारा गलत था, गुस्ताखे रसूल की 1000 सर तन से जुदा तन से जुदा। और नारा ये भी गला है, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। ये कट्टरवादी लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में आते, ये अपना ईमान धर्म बेच चुके हैं। 117 सेलिब्रिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए हैं। ये तब नहीं आया था जब नूपुर शर्मा बयान दे रही थी, गालियां दे रही थी, नबी को रेपिस्ट कहा गया, जो कि सब जानते हैं कि राम और सीता का विवाह किस उम्र में हुआ है, आज से 2-2.5 साल पहले किस उम्र में विवाह हुआ करता था। लेकिन बेमतलब, अब कहीं ना कहीं मुझे अब नूपुर शर्मा की जान का खतरा है। पूछे कैसे? एक मिनट, कैसे खतरा है? भाजपा उनको जेल में डाल नहीं रही है, कल उनके साथ कुछ भी होगा, देह में दंगा करवा के भाजपा सरकार जी आप नया विवाद खड़ा कर ले। मैं कह रहा हूँ उसको सुरक्षा दे, उसको सुरक्षा दे, उसको सेफ जगह पे रखा जाए। भाजपा पूरी तरह से उसको अस्वैर छोड़कर, आप मान लीजिए एक दंगा कराने की साजिश है, 24 का चुनाव जीतने की साजिश है। आज के समय में आपको हम एक चीज बता देते हैं और बहुत गंभीर बताते हैं, मसला सिर्फ इतना है आज के देश में कि लोग किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, लोग सिर्फ जो है मजा लेना चाहते हैं। और जिस दिन ये मजा खत्म हुआ ना, उस दिन इनसे पूछिएगा कि आज जितनी बसें लेके आप निकले हो ना, कोरोना में ये बस कहाँ गई थी? जब तुम्हारे परिवार के लोग मर रहे थे तब ये बसें कहाँ गई थी? जो आज फंडिंग हो गई हिंदू राष्ट्र के नाम पे, तब लोगों को बताने के लिए फंडिंग क्यों नहीं की गई थी? तो हिंदू राष्ट्र मना गलत क्या? लेकिन योगी जी मना थोड़ी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सुरक्षित होकर बनाए साफ। मैं योगी जी के फैसले से बहुत खुश हूँ, मैंने योगी जी पे कोई टिप्पणी की इस मामले को लेकर नहीं की। उन्होंने कहा सार्वजनिक जगहों पे नहीं होगा, एक जगह बनाई जाएगी, बिल्कुल करिए आप, जो सरकार रूल बना रही है ठीक है, लेकिन उनमें विवाद दिखा के आप किसी कुटवा नहीं सकते हैं। आप मुसलमान के नाम पे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को दबा नहीं सकते हैं। आप ईद के नाम को लेकर देश का माहौल नहीं खराब कर सकते हैं। आज बकरीद के टाइम पे इतना बवाल हमने पहली बार देखा कि आज बसें निकलने लग गई। क्या प्रधानमंत्री रोक नहीं सकते हैं कि ये यात्रा ईद के बाद निकाली जाए, देश का माहौल भी बनाए रहने दो? क्या भाजपा कोई नेता इतना बुद्धिमान नहीं रह गया है? ये यात्रा तो बाद में भी निकल सकती थी। और हिंदू राष्ट्र, मैं पूछ रहा हूँ हिंदू राष्ट्र, मैं जितने ही भक्त से मिला हूँ, जितने ही पत्रकार चैनल वाले हैं, जितने ही भक्त से मिला हूँ, उनसे मैंने पूछा भाई राम ने मित्र के लिए क्या कहा, श्री कृष्ण ने क्या कहा है मनुष्य के लिए, भगवान राम ने कब कहा काटने, वो नहीं बता पाएंगे हिंदू धर्म। आप क्यों बाधा बन रहे हिंदू राष्ट्र बनने में?
बाधा नहीं बन रहे हैं। बाधा तो बने हमसे सिर्फ इतना बता दे कि हमारा दलित, हमारा मुसलमान, हमारा सिख, हमारा जैनिस्ट, हमारा बौद्धिस्ट को उसमें स्थान है या नहीं। और ये भारत है, हमारे पुरखों ने भारत के लिए आजादी दी है, किसी राष्ट्र के लिए आजादी नहीं दी थी। अब हमें भारत ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। सीधी बात है।